नाज़रीन, आप तमाम का Z9 उर्दू न्यूज़ में खैर मकदम है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पार्टी सदर व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन की रास्त रहनुमाई में आसिफ नगर डिवीजनल कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा का एक बेहतरीन कारनामा। नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन को एक शिकायत मौसल हुई थी कि मुरादनगर सैयद अली गुड़ा नूर मस्जिद के पास में मुसलसिल मौसलाधार बारिश की वजह से एक मकान की दीवार बोसीदा होकर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में घर के अफराद मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गए। इतला मिलने के बाद फौरी तौर पर आसिफ नगर डिवीजनल कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा ने शदीद बारिश के बावजूद भी हिदायत पर कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुँच कर ज़ख्मी होने वाले 25 साल सबीता प्रवीण नामी खातून और इनके 3 साल बेटे को, जिन्हें मामूली सी चोटें आई थी, इन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इनका बेहतर तरीके से इलाज कराने की डॉक्टर्स को हिदायत भी दी। वाज़िर है नाज़रीन के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पार्टी के तमाम खादिम जो कि अवाम की खिदमत में बर वक्त मैदानी सतह पर रहकर राहत पहुँचाने के लिए राहती काम अंजाम देते रहते हैं। पेश है Z9 उर्दू न्यूज़ की एक खसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए Z9 उर्दू न्यूज़ को ज़रूर फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आसिफ नगर डिवीज़न में एक नूर मस्जिद के पास सैयद अली गुड़े में एक हादसा हुआ। बारिश की वजह से एक बैक साइड की दीवार तीनों पे गिर गया। एक 3 फुट की एक लेडीज़ को एक बच्चे को मार पड़ा। एक बच्चा है 3 साल का, लेडीज़ है 25-26 ईयर्स की। थोड़ा बच्चे को थोड़ा सा मुकम्मल घुटनों में मार पड़ा। उसकी मुकम्मल प्लास्टर वगैरह डाले, टाके डाल के वो बच्चे को, छोटा है मासूम, दोनों हुए पैरों बच्चे को मार पड़े और लेडीज़ को भी थोड़ा कमर में मार पड़ा। जनाब माजिद हुसैन साहब को इतला मिली है, मेरे साहब को, उन्होंने मुझे इतला दी तो मैं वहाँ पर 12:30 बजे वहाँ पर पहुँच गया था। पहुँच के मैं उस्मानिया हॉस्पिटल ले लेके आके यहाँ पर मुकम्मल इलाज कराया। यहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह से बातचीत करा मुकम्मल। मैं यहाँ पर कंटिन्यू हूँ, मेरे रिश्तेदारी सदर और कुछ बच्चे वर्कर है वो लोग भी थे यहाँ पर ऑलरेडी। मैं यहाँ पर, ये लोग बोले कल सुबह में डॉक्टर साहब आते, मुकम्मल देख कर यहाँ पर इलाज करेंगे बोल के बताए। उस्मानिया हॉस्पिटल में मैं यहाँ पे 12:30 बजे के टाइम पे आया था। अब 4:45-5 हो रहे सुबह के। मैं यहाँ पर डॉक्टर से बात करके वो लोग को एडमिट करा के यहाँ से लेकर रहा हूँ। मैं माजिद हुसैन साहब MLA साहब को भी इतला दे दिया। ये कमर पर मार पड़ा लेडीज़ को, बच्चे को पैरों पे मार पड़ा, घुटनों के बल दोनों तरफ मार पड़ा बच्चों को। इंशाल्लाह मैं प्लास्टर वगैरह बच्चे को मुकम्मल पूरा कंप्लीट इलाज तो हो गया। थोड़ा वालदा को तकलीफ है उनके, वहाँ पर हॉस्पिटल में बोले सुबह में 1 दिन रखेंगे यहाँ पर बोल के बताए। ये लोग तो बिहार के है, हमारे पास मस्जिद सैयद अली गुड़े में मस्जिद नूर बोल के है, वहाँ पर उसके बाजू घर में रहते थे। ये लोग आके रेंट पे 2-3 दिन ही छुआ वहाँ पर। ये बारिश की वजह से वो एक तकरीबन 10-15 साल 20 साल से घर मुकम्मल वहाँ पर खाली पड़े हुआ है। वो बैक साइड की दीवार ऑलरेडी वो तीनों पे गिर के वो लोग के ऊपर गिरी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हादसा नहीं हुआ, कुछ मार पड़े हैं। इंशाल्लाह डॉक्टर से बात करें, वो भी अल्लाह चाहे तो वो भी कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऑलरेडी मैं उनके वालिद से भी मिला, बुरों से मिल के करके यहाँ पर ये लोगों को जो भी है, मैं मेरे साहब से भी बात करा, मेरे साहब भी बोले जो भी हो सकता है इंशाल्लाह माली मदद भी इंशाल्लाह वो लोग को करेंगे अल्लाह चाहते। उन्होंने तो वहाँ के है, मुरादनगर के है, वहीं रहते हैं लोग। वो लोग का नाम तो एक नूर बोल के है ऑलरेडी,